जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीजे क्रिकेट लाइव में। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2023 का 51वां मैच होने वाला है, जो कि 7 मई को 2023 को 3:30 पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। और फिलहाल के लिए दोनों टीमें 2023 में एक बार और भिड़ चुकी हैं, जो कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। यहां पर गुजरात ने लखनऊ को हराया भी था। चलिए फाइनल 11 की बात करेंगे कि कौन से ऐसे 11 प्लेयर हैं जिनको आपको अपनी फैंटेसी टीम में रखना है और वो आपको अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिछले 5 मैच में गुजरात का परफॉर्मेंस। तो गुजरात ने पिछले 5 मैच में 3 मैच जीते हैं, 2 मैचें हारी हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय राजस्थान और गुजरात के बीच में इस समय मैच चल रहा है, तो ये अभी मैं बता नहीं सकता कि कौन सी टीम जीती है। फिलहाल के लिए इस समय मैच चल रहा है और इसी समय मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करेंगे तो लखनऊ ने पिछले जो 5 मैच खेले हैं उसमें से 3 मैच हारी है, 2 मैच जीते हैं और पिछला मैच दोनों टीमें अपना हार चुकी हैं। और फिलहाल के लिए बात करेंगे दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की हेड टू हेड की, तो एक तरफा मुकाबले गुजरात ने जीते हैं लखनऊ के खिलाफ। पिछले 3 मैचों में लगातार गुजरात ने लखनऊ को हराया है। वैसे बात करेंगे 2022 के सीज़न की तो 2 बार दोनों टीमें लीग मैचों में आपस में भिड़ चुकी हैं, गुजरात ने दोनों में हराया। उसके अलावा 2023 में एक लीग मैच हुई और उसमें गुजरात ने लखनऊ को हरा दिया था। फिलहाल के लिए दूसरा लीग मैच इसी सीज़न होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीमों के बीच में 2022 में जो मैच पहला लीग मैच खेला गया था वहां पर, तो लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करी उस मैच में 158 विकेट के नुकसान पर बनाए। और इस मैच में क्विंटन डिकॉक, लोकेश राहुल दोनों फेल हुए थे, उसके अलावा राहुल 0 पर आउट हुए थे। वैसे भी लोकेश राहुल अब इस समय आईपीएल खेलते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। इवन लुइस ने इस मैच में 10 रन बनाए थे, मनीष पांडे उस समय लखनऊ की टीम में थे, 6 रन बनाए थे। दीपक हुड्डा ने 55 रन बनाया था, आयुष बदोनी ने 54 रन बनाए थे उस मैच में, करुणाल पांड्या 13 बॉल में 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। अब बात करेंगे गुजरात की तरफ से, मोहम्मद शामी ने 3 विकेट लिए थे, वरुण आरोन ने 2 विकेट लिए थे, उसके अलावा राशिद खान को 1 विकेट मिला था। गुजरात 161 बना करके 5 विकेट से यह मैच जीत गई थी। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल 0 पे आउट हुए थे, मैथ्यू बेट ने 30 रन बनाए थे, हार्दिक पांड्या ने 28 में 33 बनाया, डेविड मिलर ने 21 में 30 रन बनाए थे, राहुल तेवटिया 24 बॉल में 40 रन बनाए थे, उसके अलावा अभिनव मनोहर ने 7 बॉल में 15 रन का योगदान दिया था। लखनऊ की तरफ से दुष्मंता चमीरा को 2 विकेट मिले थे, आवेश खान ने 1 विकेट लिए थे, उसके अलावा करुणाल पांड्या, दीपक हुड्डा को 1-1 विकेट मिला था। उसके बाद दूसरी बार दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी 2022 में ही, जो कि 2022 सीजन का 57वां मैच था। और इस मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करी, 144 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। और इस मैच की बात करें तो साहा ने इस मैच में 5 रन बनाए, शुभमन गिल नॉट आउट 63 रन बनाए थे, उसके अलावा इस मैच में हाईएस्ट स्कोरर में डेविड मिलर ने 26 रन और राहुल तेवटिया ने 22 रन बनाए थे। बॉलिंग में बात करें तो मोहसिन खान को 1 विकेट मिला था, आवेश खान ने 2 विकेट लिए, जेसन होल्डर को 1 विकेट मिला था। आवेश खान ने दोनों ही मैचों में फिलहाल के लिए विकेट लिया गुजरात के खिलाफ और इस मैच में भी 1 विकेट लिया था। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ की टीम की, लखनऊ 82 रनों पर ऑल आउट हो गई थी सिर्फ 13.5 ओवर। इस मैच में 62 रनों से गुजरात ने जीत लिया था। और लखनऊ की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहे थे जो आपके दीपक हुडा, उन्होंने 27 रन बनाए थे, उसके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 11 रन बनाए थे, बाकी के बल्लेबाज दहाई तक भी नहीं पहुंच सके थे। और इस मैच में मोहम्मद शामी को 1 विकेट मिला था, यश दयाल ने 2 विकेट लिए थे, राशिद खान ने 4 विकेट और रवि साई किशोर को 2 विकेट मिले थे। तो ये तो फिलहाल के लिए दोनों टीमों के बीच में पिछले सीजन का दोनों मैच रहा। अब इस सीजन में 2023 में जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करी, 135 रन बनाए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। साहा ने इस मैच में 47 रन बनाए, शुभमन गिल ने 0 रन बनाए, उसके अलावा हार्दिक पांड्या 66 रन बनाए, अभिनव मनोहर ने 3 रन, उसके अलावा विजय शंकर ने 10 रन का योगदान दिया। और गुजरात के 6 विकेट गिरे तो लखनऊ की तरफ से नवीन उलहक को 1 विकेट, करुणाल पांड्या ने 2 विकेट लिए थे, उसके अलावा मार्कस एस्टोनिस को 2 विकेट और अमित मिश्रा को 1 विकेट मिला था। लखनऊ 128 तक पहुंची थी 7 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर में लोकेश राहुल थे जिन्होंने 61 बॉल में 68 रन बनाए, फिलहाल वो खेल नहीं रहे। काइल मेयर जरूर 19 बॉल में 24 रन बनाए थे, करुणाल पांड्या ने 23 बॉल में 23 रन बनाए थे। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर बॉलिंग में तो मोहम्मद शामी को कोई विकेट नहीं मिला था, राशिद खान ने 1 विकेट और मोहित शर्मा को 2 विकेट मिले थे, नूर अहमद को 2 विकेट मिले थे। ये तो दोनों टीमों के बीच में पिछले 3 मैच जो खेले गए हैं उसका मैंने बताया। और फिलहाल के लिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओवरऑल पिछले जो 10 मैचेस दोनों टीमों ने खेले हैं अपने अपने, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो गुजरात ने पिछले 10 मैचों में, राजस्थान वाला मैच छोड़ करके मैं बता रहा हूँ जो अभी रिसेंटली चल रहा है ये मैच, तो पिछले 10 मैचों में 70% मैचेस जीते हैं, यानी कि 7 मैच जीते हैं, 166 एवरेज स्कोर, 207 हाईएस्ट और 126 लोएस्ट स्कोर है। अगर लखनऊ की टीम की बात करेंगे तो लखनऊ ने पिछले 10 मैच में 5 मैच जीते हैं, 173 एवरेज स्कोर, 257 हाईएस्ट स्कोर और 108 लोएस्ट स्कोर नज़र आता है। अगर बात करेंगे वेन्यू
तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टोटल 15 आईपीएल मैचेस खेले गए हैं अब तक, और इसमें 53% पहले बैटिंग करके मैच जीता गया, 47% बाद में बैटिंग करके जीता गया। फिलहाल के लिए ये भी मैच दिन में खेला जाएगा, हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। वैसे एवरेज स्कोर यहाँ पर 163 का है पहली इनिंग का, सेकेंड इनिंग का 155 का एवरेज स्कोर है। गुजरात और कोलकाता के बीच में मैच हुआ था, उसमें कोलकाता ने 207 रन हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए थे, पंजाब ने 123 रन यहाँ पर लोएस्ट स्कोर बनाया था, जो पिछले सीजन 2022 में आए थे। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर जो पिछले 3 मैच खेले गए हैं उनकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को विकेट मिले हैं। तो गुजरात और राजस्थान के बीच में जो पिछला मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इस मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करी, 177 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए, और शुभमन गिल 45 रन, साई किशोर ने 20, उसके अलावा हार्दिक पांडे 28, डेविड मिलर ने 46 रन बनाए, अभिनव मनोहर ने 27 रन बनाए थे, ट्रेंट बोल्ट को 1 विकेट मिला था, उसके अलावा संदीप शर्मा को 2 विकेट मिला था, एडम जैम्पा ने 1 विकेट लिए थे, चहल को 1 विकेट मिला था। यानी कि यहाँ पर 3 विकेट फास्ट बॉलर 2 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए। राजस्थान के 7 विकेट गिरे थे और उन 7 विकेट में से शमी को 3 विकेट, हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला था, उसके अलावा आसिफ खान को 2 विकेट मिले थे, नूर अहमद को 1 विकेट। इस मैच में 4 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए, बाकी के विकेट स्पिनर्स के खाते में गए। गुजरात और मुंबई के बीच में जो मैच हुआ था, उस मैच में गुजरात ने 207 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल ने 56 रन, उसके अलावा डेविड मिलर ने 46 रन, अभिनव मनोहर ने 42 रन बनाए, राहुल तेवटिया ने 20 रन बनाए थे। अब बात करेंगे इस मैच में तो अर्जुन तेंदुलकर, जेसन बेहरेंडॉफ, रायली मेरेडिथ को 1-1 विकेट मिला था, करुणाल पांड्या को भी 1 विकेट मिला, और पीयूष चावला ने 2 विकेट लिए। इस मैच में भी फास्ट बॉलर को पहले इनिंग में ज्यादा विकेट, स्पिनर्स को कम विकेट मिला। सेकेंड इनिंग में मुंबई के 9 विकेट गिरे थे और उसमें से हार्दिक पांड्या को 1 विकेट, राशिद खान ने 2 विकेट लिए थे, नूर अहमद को 3 विकेट, मोहित शर्मा को 2 विकेट। सेकेंड इनिंग में लगभग बराबरी का मामला यहां पर फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का देखने को मिला। दिल्ली और गुजरात के बीच जो मैच हुआ था बहुत जबरदस्त मैच था, पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में काफी सारे विकेट्स गिरे थे, और मोहम्मद शमी ने इस मैच में 4 विकेट लिया था पहली इनिंग में। दिल्ली के 8 विकेट गिरे थे और दिल्ली के जो 8 विकेट गिरे उसमें शमी ने 4 विकेट लिए थे, उसके अलावा राशिद खान को 1 विकेट और मोहित शर्मा को 2 विकेट मिला था, उसके अलावा 1 यहां पर रन आउट हुए थे। मतलब इस मैच में भी पहले इनिंग में ज्यादा विकेट फास्ट बॉलर को मिले, स्पिनर्स को कम विकेट मिला। गुजरात ने 6 विकेट खोए थे सेकेंड इनिंग में और मैच भी हार गई थी गुजरात की टीम। गुजरात की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 59 रन, अभिनव मनोहर 26 रन और राहुल तेवटिया 20 रन बनाए थे, उसके अलावा खलील अहमद 2 विकेट, ईशान शर्मा को 2 विकेट मिला था, नौरखिया ने 1 विकेट लिए थे, कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। यानी कि यहां पर 5 विकेट फास्ट बॉलर 1 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए। इन सब मैचों को देखा जाए तो अभिनव मनोहर, हार्दिक पांड्या, उसके अलावा शुभमन गिल और डेविड मिलर ऐसे प्लेयर निकल के आ रहे हैं जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया इस ग्राउंड पर फिलहाल के लिए। और बॉलिंग में बात करेंगे तो मोहम्मद शमी, उसके अलावा राशिद खान और नूर अहमद हर मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आए, तो इनको टीम में रखना है फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं और जो आपको सबसे अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो सबसे पहले शुभमन गिल को आपको टीम में रखना है, 10 मैचों में 384 रन बना चुके हैं, 42 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट है। हार्दिक पांड्या 9 मैचों में 247 रन बना चुके हैं, 30 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या बॉलिंग में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, 9 मैचों में वैसे 3 विकेट लिया है अब तक, 4 विकेट एक्चुअली हो चुका है इनका अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बढ़िया परफॉर्मेंस ये करते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा काइल मेयर्स बहुत बढ़िया, इनको आप टीम में रख सकते हैं, 10 मैचों में 311 रन बना चुके हैं, विकेट्स भी लेते आएंगे नजर आएंगे आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस तरीके की पिच है और ये बॉलिंग कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा निकोलस पूरन 10 मैचों में 245 रन बना चुके हैं, मिडिल ऑर्डर्स में इस समय लखनऊ की तरफ से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मोहम्मद शमी पर्पल कैप होल्डर हैं, 10 मैचों में 18 विकेट ले चुके हैं। राशिद खान ने 10 मैचों में 16 विकेट पिछले लिए हैं। उसके अलावा रवि बिश्नोई की बात करेंगे, 10 मैचों में 12 विकेट ये ले चुके हैं। मार्क वुड अगर खेलते हैं तो इनको टीम में शामिल कर सकते हैं, नहीं तो इनको टीम से बाहर कर सकते हैं आप। उसके अलावा कुछ और प्लेयर हैं जिनको आप टीम में शामिल कर सकते हैं, जैसे डेविड मिलर, और डेविड मिलर काफ़ी अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। नूर अहमद काफ़ी अच्छे फॉर्म में इस समय नज़र आ रहे हैं और इनको भी आपको टीम में शामिल करना चाहिए। उसके अलावा अभिनव मनोहर एक ऐसा अंडर रेटेड प्लेयर है जिनको आप टीम में शामिल करना चाहेंगे और ये आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर पॉइंट्स दिलाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा बात करेंगे जोसिया लिटिल, यहाँ पर थोड़े से रिस्की प्लेयर हो सकते हैं। लखनऊ की तरफ से बात करेंगे तो कृष्णप्पा गौतम को यहाँ पर टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अमित मिश्रा को यहाँ रिस्की प्लेयर होने वाले हैं फिलहाल के लिए। नवीन उल हक एक बॉलर हैं जिनको आप टीम में रख सकते हैं और ये आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिलाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं और ये आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। वैसे फाइनल टीम मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, वहाँ फाइनल
टीम आपके प्लेइंग 11 आने के बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा आप लोग वीडियो देख कहाँ से रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। जय हिंद।